नमस्कार किसान भाइयों, गर्मियों का मौसम है और अपनी सुरक्षा बहुत ज़रूरी, इसलिए सर में टोपी और आंखों में चश्मा ज़रूर पहनें यदि आप खेत पर निकले हैं गर्मी के मौसम पर दोपहरी पर। तो चलिए हम चश्मा उतार देते हैं और मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे हम तरबूज की खेती से सिर्फ 70 से 80 दिनों पर लाखों रुपये मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने भी इस साल जो है पहली बार तरबूज की खेती की है और आज ही उसकी हार्वेस्टिंग हुई है। अभी भी हार्वेस्टिंग जो हमारी राटन होती है, यानी कि जो छोटी तरबूज जो बचे हुए होते हैं हमारे, उनकी हार्वेस्टिंग अभी बाकी है। जो बड़े बड़े तरबूज हैं सिर्फ उसी की हमने हार्वेस्टिंग ली है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो रियल में जो खर्चे आते हैं तरबूज की खेती पर और हमें क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है और हमें उससे मुनाफा क्या मिलेगा। आज इस वीडियो में हम 6 पॉइंटों के आधार पर तरबूज की खेती का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहला होगा ज़मीन की तैयारी, दूसरा होगा खाद बेसल डोज यानी, और तीसरा होगा मल्चिंग में क्या कास्ट आती है हमें, चौथा होगा नर्सरी या बीज का खर्च कितना होता है हमारा, और पाँचवा होगा हमारा दवाई और खाद में क्या खर्चे होते हैं, और छठवा होगा लेबर खर्च। और वीडियो के अंत में होगी विशेष बात, और विशेष बात में आपको बताऊंगा कि मेरे क्या खर्चे हुए और हमें क्या लाभ मिला। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल में यदि आपने है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, तरबूज की खेती एक ऐसी खेती है कि आप 70 से 80 दिनों पर अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला जो पॉइंट है हमारा ज़मीन की तैयारी। ज़मीन की तैयारी दोस्तों, आप कल्टीवेटर चलाते हैं, प्लाऊ चलाते हैं और बेड तैयार करते हैं, तो इसमें जो खर्च आएगा आपको ट्रैक्टर संबंधी जो खर्च आएंगे वो आएंगे लगभग आपको 5,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा बेसल डोज। बेसल डोज यानी जो आधार खाद आप देते हैं शुरुआत पर बेड पर हमारी, तो उसका जो खर्च है वो लगभग हमें 5,000 रुपये खर्च आएगा। अब वो 5,000 कैसे खर्च आएगा, उसमें एक बोरी DAP डालेंगे आप, दो बोरी सुपर फास्फेट, आधा बोरी यानी 25 kg आप डालेंगे MOP पोटास, तीसरा आप सल्फर की मात्रा उसमें 5 kg देंगे, और साथ में यदि आप चाहें तो फेरस सल्फेट भी डाल सकते हैं जो कि इसकी मात्रा होगी 10 kg। सारी खादों का कलेक्शन यदि हम करें तो हमें लगभग 5,000 रुपये का खर्च इसमें आ जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा मल्चिंग। तो मल्चिंग में 2,000 रुपये बिंडल के हिसाब से आपको 25 माइक्रोन की मल्चिंग मिलती है, तो आप 6 बिंडल, लगभग 5 से 6 बिंडल हमारे एक एकड़ पर लगते हैं, तो उसकी कास्ट के हिसाब से देखें तो लगभग 12,000 रुपये में हमारी मल्चिंग हो जाती है। सिर्फ मल्चिंग पेपर खरीद आते हैं इस पर, इसमें लेबर खर्च आपको अलग करना पड़ता है। तो इसके बाद जो खर्च आता है दोस्तों वो आता है सीट का। सीट का खर्च देखो दोस्तों, आप सीट का ऐसा है कि यदि आप नर्सरी बनाते हैं तो आपको वो नर्सरी कम में पड़ती है, तो जो सीट की मात्रा होती है वो लगभग 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक मिलती है। जैसे हमने सागर किंग सीट, जो सागर सीट का आता है, उसको हमने खरीदे थे, लगभग वो हमें 34,000 रुपये kg मिला था। यानी यदि हम 300 ग्राम बीज की बात करें तो लगभग 10,000 में आपको 300 ग्राम बीज आपको मिल जाएगा। और दूसरी वैरायटी जो होती है वो थोड़ा उसके रेट कम भी हो सकते हैं और रेट ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं सिर्फ सागर की सीट की बात कर रहा हूँ, तो उसके जो खर्चे आए थे लगभग हमें 10,000 रुपये उसमें खर्च। तो ये हो गई कि यदि आप नर्सरी खुद बनाते हैं तो आपको लगभग 10,000 रुपये आपका सीड हो जाएगा। वहीं यदि आप नर्सरी वालों से अगर नर्सरी लेते हैं तो 1.50 रुपये से 2 रुपये तक आपको मिलेगी विथ ट्रांसपोर्ट के। तो उसके साथ यदि हम देखते हैं तो भी हमारा जो नर्सरी है वो 6,000 पौधे अगर हम लगाते हैं पर एकड़ के हिसाब से, तो आपको 6 × 12,000 रुपये, 12,000 रुपये आपके नर्सरी में खर्च होंगे, तो 2,000 रुपये इसमें आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इस दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल में यदि आपने है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लाल बटन दिख रही है ना आपको, उसको आपको दबाना है, बस हो गया। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं हमारे पाँचवें पॉइंट की, तो पाँचवा पॉइंट है दोस्तों हमारा दवाई और खाद। खाद में आप वाटर सलेबल लेंगे, तो वाटर सलेबल इसमें ज़्यादा महंगी नहीं डालनी पड़ती हमें, पोटास की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और एक यूरिया। तो फर्स्ट में आप यूरिया की तरफ ध्यान देंगे ज़्यादा कि आपको बढ़वार कैसी करनी है, दूसरा ये कि आप बीच में फिर फास्फोरस की मात्रा देंगे, जैसे 0-52-34 है इसका स्प्रे लगेगा आपको, फिर लास्ट में जब आपके फ्लावर सेट हो जाएंगे, फल सेट हो जाएंगे, तो फिर आपको 13-045 और 0-050 और 52-34 की मात्रा आपको देनी पड़ेगी स्प्रे पे भी और आपको ड्रिप के माध्यम से भी, ठीक है। तो इसका जो खर्च है वो लगभग आपको 10,000 रुपये ये भी खर्च आएगा। इसमें स्प्रे नहीं लगते हैं, हालांकि जब आप अर्ली वैरायटी कोई भी लगाते हैं यानी कि अर्ली खेती अगर करते हैं तो थोड़े से खर्चे आपके बढ़ जाते हैं, लेकिन वहीं आपको रेट भी मिलता है। अब इसके बाद जो हमारा छठवां पॉइंट है वो है लेबर। तो लेबर कास्ट इसमें दोस्तों ज़्यादा नहीं आती, एक तो आप जब TP करते हैं आप तो उस समय हमको लेबर लगते हैं, इसके बाद फिर हार्वेस्टिंग में लेबर लगते हैं, और
थोड़े बहुत जो लेबर लगते हैं आपको दवाई स्प्रे में, और जो अन्य कार्य थोड़ी बहुत निंदाई हमें करनी पड़ती है, वैसे भी गर्मी के दिनों में ज़्यादा कचरा होता नहीं है तो निंदाई आपको करने की ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं। बीच में यदि आप ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको निंदाई नहीं करनी पड़ती। तो इसका जो खर्च हमने इंक्लूड किया है वो लगभग हमें 5,000 रुपये में लेबर खर्च लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे लेबर खर्च हुआ। तो ऐसा हम टोटल करते हैं तो लगभग 47,000 रुपये हमारे खर्च होते हैं। इसमें हम 3,000 और इंक्लूड करते थे कि हमें कहीं हो सकता है लेबर ज़्यादा लगे, तो लगभग 50 रुपये एकड़ का ये खर्च हुआ। तो ये हुए दोस्तों तरबूज की खेती में खर्च। तो अब मैं आपको कुछ सावधानियां बता देता हूं और इसके बाद फिर विशेष बात। तो सावधानी में दोस्तों ये है कि यदि आप अगेती खेती करते हैं तो आपको लीफ माइनर काफ़ी परेशानी आती है, इसमें थोड़ी माइट की भी समस्या आती है। मुझे जो समस्याएं आई मैं उसके बारे में बता रहा हूं आपको। मुझे सबसे बड़ी जो समस्या आई वो लीफ माइनर की, इसके बाद हमें माइट की थोड़ी समस्या आई थी बीच पर, और ठंड के कारण हमारे फ्लावर जो है पूरे तरीके से सेट नहीं हुए, इसके कारण हमें थोड़ा सा उत्पादन भी इसमें कम मिला। मगर अगेती करने के कारण हमें उसके रेट भी बढ़िया मिले। तो दोस्तों विशेष बात यह है कि मुझे जो हार्वेस्टिंग मिली वो लगभग 15 टन की मिली, यानी कि एक एकड़ पर हमें 15 टन उत्पादन मिला, और मैंने उसको अपने खेत से ही, यानी कि हमारा ना उसमें ट्रांसपोर्टिंग लगी और ना ही कमीशन लगा किसी दलाल को, ना ही हमाली लगी, सिर्फ हमने खेत से हमारे मज़दूरों के द्वारा टुड़वाया माल और उसको गाड़ी में लोड करवा दिया, और इसके बाद हम फ्री होकर धर्मकांटा में गए और वहाँ पर वजन के हिसाब से हमने पेमेंट भी नगद ले लिया। तो उसका जो उत्पादन मिला हमें वो लगभग 15 टन मिला, और रेट मिले हमें 10 रुपये केजी अगेती होने के कारण। ठीक है, तो उसके हिसाब से यदि हम देखते हैं तो हमें 1.5 लाख रुपये उसमें मिल गए। अब फिर इसके बाद अभी भी हमारे पास माल है प्रति एकड़ के हिसाब से, वो कौन सा माल है, जो हमारा छोटा माल था वो हमारा अभी हार्वेस्टिंग करने के लिए बाकी है, जो कि लगभग 5 से 7 दिन 8 दिनों में फिर से हार्वेस्टिंग के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है उसका साइज भी बढ़ जाए, और ना भी बढ़े तो वो अपनी स्थिति पर ही पक जाएगा। तो उसकी जो रेट हम मानते हैं तो वो लगभग हमें 4 से 5 रुपये मिलने के चांस है, क्योंकि वो फल का साइज जो है हमारा छोटा है। तो एवरेज हम मानते हैं कि कम से कम गिरी कंडीशन में यदि हम 5,000 रुपये का भी बेचते हैं मान लो, ठीक है, अगर 10 क्विंटल भी निकलता है तो 5,000 मिलते हैं, तो 1,55,000 रुपये हमारे एक एकड़ पर मिल जाते हैं। अब खर्चे तो आपने देख ही लिए कि 50 रुपये आपका खर्च होगा, तो आपको 1,05,000 रुपये आपका शुद्ध मुनाफा हुआ। 5,000 इसमें भी आप छोड़ दें कि आपको हो सकता है कि आपकी दवाइयाँ और ज़्यादा लग जाएँ, तो 5,000 वो भी छोड़ते हैं तो कम से कम फिर भी आपको 1,00,000 रुपये एक एकड़ पर मिल सकते हैं, यदि आप तरबूज की खेती समय का बढ़िया चुनाव करें तो। ठीक है, अब रही बात यह कि अभी रेट हमको 10 रुपये मिले, हो सकता है कि जो किसान भाई बाद में तरबूज निकले तो उनका जो रेट है वो 10 रुपये से कम हो। मगर मैं आपको बता दूं कि 10 रुपये रेट तो कम होगा उनका, मगर उनको फ़ायदा ये होगा कि उनका जो उत्पादन है वो हमारे तरबूज से ज़्यादा मिलेगा। वो इस कारण से मिलेगा क्योंकि हमारी जो टीपी हुई थी वो हुई थी 26 जनवरी को, और आज है 10 अप्रैल, तो आप देखते हैं कि 70 से 75 दिनों में हमारी हार्वेस्टिंग हो गई। उस समय ठंड बहुत थी, इस साल आपकी ठंड जो है फरवरी मार्च तक चली है, तो हमें काफ़ी समस्याएं आई थी। एक बार पौधा हमारा पूरा ठंड के कारण, कोहरे के कारण पूरा झुलस चुका था, फिर से उसमें ब्रांचिंग आई और फिर हमें उसमें हार्वेस्टिंग मिली। दोस्तों वीडियो में जानकारी जो दी गई आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें, और यदि आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल में दिया आप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई जानकारी दें आपको तो उसकी सूचना आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।